हेलो फ्रेंड, हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज और हरी मिर्च की फ्राई सब्जी तवे पर। ये सब्जी 5 मिनट में तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। आइए देखते हैं प्याज और हरी मिर्च की चटपटी मसालेदार सब्जी बनाने का तरीका। फ्राई हरी मिर्च और प्याज की सब्जी तवे पर बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ा प्याज इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, आधा नींबू लिया है, ये 25 हरी मिर्च ली है, ये भी लंबी इस तरह टुकड़ों में काट ली है। मसालों में आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच पिसा हुआ पुदीना। ये मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है। तवे पर हमने तेल गरम कर लिया है। तवे पर ही हमने तेल गरम कर लिया है। इसमें प्याज डाल लेंगे। जीरा डाल लेंगे और ये लंबे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। हम तेल गर्म होने के बाद में आज बिल्कुल धीमी कर देंगे और इस तरह से चम्मच की मदद से इन्हें मिक्स करेंगे। दो मिनट धीमी आंच पर तलने के बाद में ये देखिए कि हमारे प्याज अलग अलग हो गए हैं और उनका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें हमने जो सभी मसाले लिए हैं, हल्दी, नमक, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ पुदीना, ये सभी सामान इसमें डाल लेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आपका सब्जी से मन बच जाए तो आप ये हरी मिर्च और प्याज की फ्राई सब्जी तवे पर 5 मिनट में बनाएं। 5 मिनट में ये सब्जी तैयार हो जाती है। पाँच मिनट हो गए हैं, ये देखिए ये हमारे प्याज का कलर चेंज हो गया है और हरी मिर्च भी अच्छे से भुन गई है। अगर आपको ज़्यादा कुरकुरा खाना पसंद है तो आप एक दो मिनट और धीमी आंच पर इन्हें तवे पर रहने दें। ये देखिए ये 5 मिनट में हमारी हरी मिर्च और प्याज की फ्राई सब्जी तैयार है। मैं गैस बंद कर दूँ। ये हमारी हरी मिर्च और प्याज की फ्राई सब्जी तैयार है। इसमें मैं आधा नींबू निचोड़ूंगी। अगर आपको नींबू नहीं पसंद है तो आप नींबू ना छोड़े। जब आपका सब्जी से मन भर जाए तो आप ये प्याज और हरी मिर्च की सब्जी 5 मिनट पर तवे पर बनाएं।